गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। हेल्थ केयर के बारे में हम अभी ये चैप्टर कंप्लीट कर ही रहे थे और उसमें इक्वलिटी भी, क्या हेल्थ केयर में सभी लोगों को, सभी पॉपुलेशन को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, क्या इक्वलिटी है? इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या सभी को बराबर जो भी सुविधाएं हैं बराबर मिली हुई हैं? अगर हम प्राइवेट सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज, इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था प्राइवेट सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज के बारे में, पब्लिक सर्विसेज जो हमारी बहुत सारी अवेलेबल हैं और हमें बिना, मतलब ज़्यादा पैसे ना देकर, जैसे मैंने पहले ही बताया था, अब वो हमें सारी सुविधाएँ प्रोवाइड हो जाती हैं और वहीं से हमें मेडिसिन भी अवेलेबल होती है। लेकिन अगर प्राइवेट सर्विसेज की बात करें वर्सेज में बात करें तो इंक्रीजिंग, वो प्राइवेट सर्विसेज इंक्रीज तो हो रही है, ऐसा नहीं कि इंक्रीज नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन डॉक्टर्स भी बहुत बन रहे हैं और वो अपने अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी खोल रहे हैं, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पर क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, ठीक। एंड अगर सेकंड बात करें, दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, और वो जितनी भी आपकी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं डॉक्टर के द्वारा, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं या अदर लैब टेस्टिंग के लिए बनाई जा रही है, इस तरीके की जो सारी फैसिलिटीज है वो कहाँ बनाई जा रही है? अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज मतलब शहरी क्षेत्रों में बनाई जा रही है, ऐसा नहीं कि वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके बनाएंगे, उन्हें पता है कि वहाँ पर उन्हें वो अर्न मनी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कहाँ बना रहे हैं? अर्बन एरियाज में बना रहे हैं, ठीक। कॉस्ट इज हाई, और उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स की जो फीस होती है वो हाई होती है, किसी की 1000 रुपीज, किसी की 500, किसी की 800 रुपीज, इस तरीके से होती है। और वहाँ की मेडिसिंस भी, और वो जो प्रोवाइड करते हैं मेडिसिंस एक इलनेस पेशेंट को, तो वो क्या करते हैं, वो मेडिसिंस बहुत हाई कॉस्ट की रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ड्यू टू दिस मनी पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली। यदि उसकी फैमिली में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, वो पुअर व्यक्ति है, गरीब आदमी है, तो वो क्या करता है, बैरो मनी मतलब वो धन को उधार लेता है या अपने पास जो कोई प्रॉपर्टी होती है या कोई सामान होता है उसको बेचकर वो इनकम लेता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो गया है और उसे इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि दूसरे से पैसे उधार लेगा और वो ट्रीटमेंट कराएगा या हॉस्पिटल में, जो शहर अर्बन एरियाज में हॉस्पिटल है उसमें एडमिट होगा। प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इन करप्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर मनी, उनका मोटिव पूरा ये होता है, जो प्रैक्टिस होती है प्राइवेट सर्विसेज की, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। प्रिस्क्राइबिंग एक्सपेंसिव मेडिसिन, और वो क्या करते हैं, वो जो मेडिसिन होती है वो अधिक कीमत की, बहुत ज़्यादा कीमत की बता मतलब उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, वो एक्सपेंसिव लिखते हैं, इंजेक्शंस भी लिखते हैं, जो अगर उनको उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाली कॉस्ट वाली मेडिसिन है, इंजेक्शंस हैं, इन सबको उसमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो देखें तो सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट फैसिलिटीज़, यानी कि बहुत सारा धन खर्च करके अपना इलाज करा सकते हैं, सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं। और अगर हमारे 80% बचे, उसमें से भी 40% लोग ऐसे हैं जो इलाज कराने के लिए, जैसे मैंने भी बताया, जो अपना इलाज कराने के लिए, अगर प्राइवेट उसमें इलाज कराना है तो क्या करते हैं, वो बोरो मनी यानी कि उधार लेते हैं या अपना कोई सामान बेचते हैं, तब वो ट्रीटमेंट कराते हैं इस तरीके से। अब मैं एक आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि जैसे कोई पुअर पर्सन है, पुअर पर्सन कोई बीमार हुआ और बीमार होने के बाद अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बढ़ गया, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया पैसे का, व्यय का, तो वो क्या कर रहा है, वो या तो उधार ले रहा है, बोरो मनी कर रहा है, या फिर अपना कोई ऐसा सामान जैसे गाड़ी या तो उसे सेल कर रहा है, तो वो उसे सेल करके उनकी पूर्ति करता है, उससे क्या होता है, वो पॉवर्टी यानी कि गरीबी में जीता है, उसके ऊपर गरीबी का बोझ बढ़ता चला जाता है इस तरीके से। और कुछ जो हमारे रूरल एरियाज हैं उसमें क्या होता है कि महिलाओं को कम ध्यान दिया जाता है जबकि पुरुषों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी वो ज़्यादातर तैयार नहीं होते, फैमिलीज वो सोचते हैं घर में ही उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो और कोई ऐसे ट्रबल एरियाज भी होते हैं जहाँ पर मेडिकल सेंटर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं।